हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको डीडी पाई मोला E3 के बारे में बताया था, तो उससे रिगार्डिंग मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। तो आज इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं वहाँ से। जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं, यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है डीडी पाई मोला E3 के डैश कैम से, और साउंड क्वालिटी भी आप सुन सकते हैं कि किस तरह की साउंड क्वालिटी यह रिकॉर्ड करता है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अरुण जी को, जिन्होंने मेरी वीडियो को अप्रिशिएट किया। और बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उसमें मैं साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने इसमें अभी कोई पार्किंग फीचर तो एक्टिवेट नहीं किया है, वो आपको ACC किट लगाने के बाद ही मिलेगी। बट बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो बैटरी दी गई है वो भी कुछ कुछ मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे मैंने इग्निशन ऑफ़ किया तो ये 20-25 मिनट तक की वीडियो बना के रख लेता है अपने पास। यहाँ बाबा जी ने क्वेश्चन किया है कि आपने रियर कैमरे की केबल को रिवर्स लाइट से कनेक्ट किए हैं क्या, और क्या वायर कट होने पर वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको कोई भी वायर कट नहीं करना गाड़ी के अंदर। आपकी जो रिवर्स वाली लाइट है उसमें आपको रेड वायर कनेक्ट करना है कुछ इस तरह के कपलर की मदद से। विनय कुमार जी ने यह क्वेश्चन किया कि 70 माई और डीडी पाई मोला E3 में कौन सा बेटर है, और यह कितना ज़्यादा हीट होता है, और कैपेसिटर वाले जो डैश कैम्स होते हैं और बैटरी वाले, दोनों में ज़्यादा सेफ कौन सा है। 70 माई वाला जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है आज के डेट में, क्योंकि उसमें सारा बटन वाला सिस्टम देखने को मिलता है, और डीडी पाई मोला E3 में आपको टच स्क्रीन वाला पूरा इंटरफेस देखने को मिलता है, जो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। और स्टोरेज की बात करें तो वो 64 GB तक सपोर्ट करता है, वहीं डीडी पाई मोला E3 128 GB तक सपोर्ट करता है। और इसमें जो फ्रंट कैमरा अपर्चर है 1.4 का है, और 70 माई में 1.8 का है। तो 1.4 जो है वो आपकी डार्क एरिया में, यानी कि जहाँ पे लाइट कम है वहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, और ये ज़्यादा हीट नहीं होता है। मैं इवन इसको डायरेक्ट सनलाइट में दिन भर भी चला चुका हूँ, ये ज़्यादा हीट नहीं होता, कोई भी ऐसा इशू देखने को नहीं मिला मुझे। जो कैपेसिटर वाले सिस्टम आते हैं डैश कैम्स, वो ज़्यादा सेफर होते हैं बैटरी के मुकाबले, और ज़्यादा लंबे भी चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें जो बैटरी है वो रिप्लेस हो जाती है, आफ्टर 1 और 2 ईयर आप इस बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं। अतुल जी ने पूछा है कि मुझे IRVM की आदत है पीछे वाली गाड़ी को देखने के लिए, जज करने के लिए, अगर मैं इस कैमरे को उस जगह पे लगा दिया तो जिसको IRVM की आदत है वो कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो शायद आपने मेरी पिछली वाली वीडियो को पूरा नहीं देखा, या मैं अच्छे से समझा नहीं पाया आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कैमरा है ना, IRVM कैमरा, ये पीछे वाली एरिया को देखने के लिए ही बनाया गया है। आपका डैश कैम का तो ये काम करता ही है, लेकिन आपकी जो पीछे वाला एरिया होता है ना, पीछे जो कैमरा लगा, जैसे आप इग्निशन ऑन करते हैं ये डायरेक्ट पीछे वाले कैमरे को ऑन कर देता है, और पीछे का एक वाइडर व्यू आपको देता है, जिससे आप अच्छी तरीके से पीछे आने वाली गाड़ियों को जज कर सकते हैं इसमें। और अगर आप फिर भी इसको यूज़ ना करना चाहें तो आप इसकी स्क्रीन को ऑफ करके, जैसे आप अपने नॉर्मल वाले IRVM को यूज़ करते हैं वैसे कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग तो अपना होता ही रहता है। इस तरह के जो डैश कैम्स आते हैं IRVM वाले, इसमें एक बेनिफिट और मिलता है कि जो नॉर्मल हमारे IRVM होते हैं ना, उनमें केवल हमको वो थोड़ा सा एरिया दिखता है पीछे का, सेंटर का एरिया दिखता है, और काफ़ी बड़ा एरिया जो ह्यूज एरिया होता है वो ब्लाइंड स्पॉट में आ जाता है। लेकिन इसमें जो रियर कैमरा होता है ना, वो पीछे ही लगा होता है, तो आपको बेटर व्यू देता है। तो ब्लाइंड स्पॉट मतलब कोई आदमी पीछे से आ रहा वो दिख ना रहा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, पूरा व्यू बढ़िया से दिखता है। और दिन के अंदर तो काफ़ी अच्छा है, सिटी में भी आप चलते हैं तो आपको बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। ये जो डीडी पाई मोला E3 है, इससे मुझे अभी तक एक ही शिकायत है कि इसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो किसी काम का भी नहीं है। मतलब उससे आप एक भी वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं। मैं कोई भी वीडियो देखना होता है मुझे तो मैं उसको SD कार्ड को निकालता हूँ, अपने PC में कनेक्ट करता हूँ, और फिर जा करके मैं वीडियो देख पाता हूँ।